बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कैसर मलिक, आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से। आज मैं आपको कोऑर्डिनेट की कैलकुलेशन के मुताबिक बताऊंगा कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स दिए गए हों, उनके कोऑर्डिनेट्स और उनके नॉर्थिंग और ईस्टिंग, उनकी मदद से आपने बीच में मुख्तलिफ डिस्टेंस के अंदर और मुख्तलिफ फासले के अंदर अगर आपने कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं तो उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, इसकी मैं पूरी डिटेल आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो इन दो पॉइंट्स की मदद से मुख्तलिफ डिस्टेंस के अंदर अगर आपने पॉइंट कैलकुलेट करने हैं तो सबसे पहले आपके पास जो दो पॉइंट दिए गए हैं उसकी आपने और साइड लाइन बेरिंग आपने कैलकुलेट करनी है। लाइन बेरिंग का फार्मूला आप कैलकुलेटर के अंदर यू एल एन टू माइनस एन वन और ई टू माइनस ई वन है, और इसी तरीके से ये आपके सामने पॉइंट नंबर टू के अंदर उसकी नॉर्थिंग ये आपके सामने एन टू आएगी और माइनस इसके अंदर से एन वन, ये आपका पॉइंट वन का जो नॉर्थिंग होगी। इसी तरीके से ईस्टिंग ई टू वैल्यू और ई वन, आपके पास जो फर्स्ट पॉइंट होएगा वो ई वन होएगा और सेकंड पॉइंट टू होएगा। तो आपने इसी तरीके से कैलकुलेटर को आपने इस्तेमाल करना है। तो शिफ्ट बटन को आपने प्रेस कर देना है और इधर प्लस वाले बटन को ऊपर आना है और ये इधर आपने इसको प्रेस कर देना है तो ये आपके सामने पी ओ एल और ब्रैकेट के साथ इसका आ जाएगा। आपने इसके अंदर एक ब्रैकेट और ऐड करनी है और एन टू की वैल्यू 3150.450 ये आपने इसके अंदर इंटर कर देनी है। माइनस को आपने प्रेस करना है और इसके बाद एन वन की वैल्यू 1000 ये हमारे पास है 1000 और इसकी ब्रैकेट को मैंने इधर से क्लोज कर देना है आपने। और इसके बाद इसी तरीके से शिफ्ट करने के बाद इधर आपको ये कॉमा नज़र आ रहा है, आपने ये लगा देना है और इसी तरीके से सेकंड ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद ई टू की वैल्यू 6013.93 और माइनस इसके अंदर से 1500 ई वन पॉइंट की वैल्यू आपने कर देनी है और इधर से डबल ब्रैकेट लगाने के बाद इसे क्लोज़ कर देना है। और ये मैं आपको इधर से पीछे दिखाता हूँ तो सेम टू सेम आपने इसी तरीके से कैलकुलेटर के अंदर इसको इनपुट करना है और करने के बाद आपने इक्वल टू प्रेस कर देना है। तो ये आर जो आपका आएगा ये आपका डिस्टेंस आएगा, ये देख सकते हैं इधर पॉइंट टू का डिस्टेंस 5+005000 है और इसी तरीके से फोर साइड की जो हमारी बेयरिंग आएगी वो 64 समथिंग आएगी। तो इसी तरीके से अभी आपने इधर से शिफ्ट को प्रेस करना है और इधर आपके ऊपर एक्स नज़र आ रहा है, इधर इसको प्रेस कर देना है तो ये आपके सामने इसका डिस्टेंस आ जाएगा 49.99। तो ये आपके सामने इसका डिस्टेंस मैंने इधर लिख दिया है 5000। और इसी तरीके से आपने शिफ्ट को प्रेस करने के बाद वाई को प्रेस करना है तो ये आपके सामने उसकी बेरिंग आ जाएगी 64.5267। उसके बाद आपने डिग्री मिनट सेकंड वाले बटन को आपने प्रेस कर देना है तो ये आपके सामने 64°31′ और 36.22" इसके आ जाएंगे। तो ये मैं आपको दोबारा बताता हूँ, आपने इधर से शिफ्ट एक्स करना है तो ये आपके सामने इसका डिस्टेंस आ जाएगा और इसी तरीके से आपने शिफ्ट वाई करना है तो ये आपकी बेरिंग आ जाएगी। तो ये लाइन बेरिंग आपके सामने आ गई, ये डेसिमल के अंदर आप इसको नोट कर लें 64.5267 ये आपकी लाइन बेरिंग। इस लाइन बेरिंग की मदद से अगर आपने मुख्तलिफ डिस्टेंस आपके सामने दिए गए हैं 1000 2000 आर डी समझ लें या इसको आप डिस्टेंस समझ लें और कोई भी पॉइंट आपको बताया गया होगा कि आपने इस पॉइंट के अंदर इस डिस्टेंस के अंदर आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है इन कोऑर्डिनेट्स को, तो ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास 5000 था और इधर से जीरो से लेके फर्स्ट पॉइंट हमारे पास 1000 है, सेकंड पॉइंट का डिस्टेंस हमारे पास 2000, इसी तरीके से थ्री पॉइंट का डिस्टेंस हमारे पास 3000 और फोर्थ पॉइंट का डिस्टेंस हमारे पास 4000 है। तो ये सिंपल राउंड अबाउट के राउंड फिगर्स के अंदर है डिस्टेंस। तो इसकी मदद से हम आपको बताएंगे हमने बेरिंग डिस्टेंस की कैलकुलेट की है, डिस्टेंस हमारे पास 500 आया था और बेरिंग हमारे पास 64.5267 आई थी। तो अब पहले हमने पी ओ एल के फार्मूला यूज़ किया था तो अभी हम आई सी कैलकुलेटर के अंदर यूज़ करेंगे और सबसे पहले अपने लास्ट पॉइंट को हम चेक करेंगे। इसी तरीके से कैलकुलेटर के अंदर आपने शिफ्ट आर ई सी माइनस वाले साइन को आपने प्रेस करना है और उसके अंदर डिस्टेंस दे देना है जो हमारे पास था और कॉमा लगाने के बाद हमने लाइन बेरी निकाली थी 64.52672 और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। ये इसी तरीके से सेम टू सेम आपने कैलकुलेटर के अंदर इंटर करना है और इक्वल टू को प्रेस कर देना है तो आपके सामने एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू आपने इधर नोट कर लेनी है, शिफ्ट
साथ आप इसको प्रेस करेंगे अगर और एक्स को प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने उसकी वैल्यू आ जाएगी 215.0.450। इसी तरीके से शिफ्ट और वाई आप करेंगे कैलकुलेटर के अंदर तो 4513.929 आ जाएगी। तो इसी तरीके से जो आपके पास वैल्यू आई है उसको आपने स्टार्ट पॉइंट की नार्दिन के साथ एक्स वैल्यू कर देना और ई वैल्यू को आपने उसकी स्ट्रिंग के अंदर प्लस कर देना। तो ये 2150.45 मेरे पास डिस्टेंस आया था, प्लस 1000 करूँगा तो मेरे पास ये इज इक्वल टू 3150.45 जो पॉइंट टू था हमारा उसकी नार्दिन वैल्यू आ गई है। इसी तरीके से वाई वैल्यू मेरे पास आई थी 4513.929 और इसके अंदर मैं प्लस कर दूंगा 1500 को तो ये मेरे पास पॉइंट टू की जो स्ट्रिंग थी 6013.93 तो ये आ गई। तो इसी तरीके से ये आपने सारे पॉइंट्स को इनसे कैलकुलेट करना है, उसका डिस्टेंस सिर्फ चेंज होएगा और फोर बेरिंग जो आपने पहले कैलकुलेट कर ली है वो ही होगी। तो इसी तरीके से ये हमारे पास 1000 स्टेशन है पहला, उसका जो डिस्टेंस है हमारे पास पहले पॉइंट से लेके तो मेरे पास ऊपर एक्स डिस्टेंस मेरे पास चेंज हो जाएगा। पहले हमने 5000 किया था तो इधर अभी हमारे पास हमने 1000 उसको लिख देना है और आर ई सी कैलकुलेटर के अंदर लगाने के बाद एक्स वैल्यू कॉमा वाई वैल्यू लगा देंगे। तो इसी तरीके से शिफ्ट आर ई सी और 1000 डिस्टेंस और कॉमा लगाने के बाद फोर साइड की बेरिंग हमारे पास आई थी 645267 और ब्रैकेट को जैसे मैंने क्लोज कर देना है और इसको इक्वल टू कर दें और इसी तरीके से एक्स और वाई की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। इसको आप जीरो करने के बाद एक्स वैल्यू को आप इधर से एंटर करें तो ये आपके सामने 43.090 एक्स की वैल्यू आ जाएगी और इसी तरीके से वाई आपने शिफ्ट वाई को एंटर करने के बाद इक्वल टू करना है तो 902.785 आपकी पॉइंट वन की वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास पहला पॉइंट था हमारे पास स्ट्रिंग नार्दिंग और स्ट्रिंग तो आपने इसी में से इसको प्लस कर देना है। हमारे पास एक्स वैल्यू है 43.090 और प्लस इसके अंदर आपने 1000 कर देना है तो ये आपके पास पहले पॉइंट का नार्दिंग आ जाएगी 1430.090 और इसी तरीके से 902.785 वाई वैल्यू थी और प्लस आपने इसके अंदर 1500 स्ट्रिंग की जो वैल्यू है पहले पॉइंट की वो आपने इधर इंटर कर देनी है तो आपके पास 2402.785 पहले पॉइंट की नार्दिंग और स्ट्रिंग आ जाएगी। इस आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से ये आप देख सकते हैं 2150 और 45130 हमने टोटल पॉइंट्स की लाइन बेरिंग के साथ इसकी एक्स और वाई वैल्यू निकाली थी तो ये भी एक्स वैल्यू डिवाइडेड बाई आप टोटल डिस्टेंस कर देंगे और इसी तरीके से ये 2150.450 डिवाइडेड बाई 5000। अगर आपके पास सेकंड पॉइंट जो लास्ट पॉइंट था आपका उसका जो हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया था उसके अंदर आपके पास 0.43009 एक्स की वैल्यू आ जाएगी और इसी तरीके से वाई वैल्यू आपके पास हमारे पहले पॉइंट की 4513.929 आई थी उसको डिवाइडेड बाई आप डिस्टेंस के साथ टोटल डिस्टेंस साथ कर देंगे पॉइंट टू का जो डिस्टेंस था 5000 तो ये आपके सामने वैल्यू आ जाएगी इसकी 0.902.7858। तो ये आपने इधर इसी तरीके से इसको नोट कर देना है। अभी हमने जो कैलकुलेशन करनी है सेम टू सेम इसी फार्मूले के साथ करनी है। तो ये सबसे पहले आपके पास फार्मूला एक्स एंड वाई हमने ये इधर 1000 डिस्टेंस था आगे से अगर 2000 आ जाएगा तो उसको हमने मल्टीप्लाइड बाई इन वैल्यू के साथ इन डिस्टेंस के साथ करते जाना है 1000 2000 3000 और 4000 के साथ और उसके अंदर पहली वैल्यू जो हमारे पास स्टेशन की थी उसको हमने प्लस करना है। तो ये भी हमने पहला कोऑर्डिनेट कैलकुलेट किया था उसको हम सपोज कर लेते हैं 1000 हमारे पास उसकी डिस्टेंस है तो आपके पास 0.43009 मल्टीप्लाइड बाई 1000 तो 430.09 वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से वाई वैल्यू 0.902785 मल्टीप्लाइड बाई 1000 अगर डिस्टेंस था तो उसकी वैल्यू हम इधर नोट करते हैं तो 902.785 उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू हमने पीछे निकाली थी ये आपको नज़र आ रही है 43090 वो इसी तरीके से सेकंड मेथड के जरिए आई है और इसी तरीके से वाई की वैल्यू 902.785 आई है। तो ये आपके पास दोनों तरीके हैं, इन दोनों तरीकों के साथ आप इसी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास सेकंड डिस्टेंस 2000 का है तो आपके पास जो आपने एक्स की वैल्यू निकाली है उसको मल्टीप्लाइड बाई 2000 कर देंगे तो 86.2
86.0.18 उसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से वाई वैल्यू 902.785 जो हमने इधर कैलकुलेट की है 0.1 सेकंड पर, तो मल्टीप्लाइड बाई 2000 कर देंगे तो हमारे पास वाई की वैल्यू 1805.57 आ जाएगी। ये इसी तरीके से उस पॉइंट के सामने मैंने रख दिया है। अभी आपके पास फर्स्ट पॉइंट वन की हमारे पास नार्दिंग थी 1000 प्लस आप उसके अंदर 860.180 कर देंगे तो ये आपके सामने नार्दिंग आ जाएगी 1860.18। और इसी तरीके से स्ट्रिंग पॉइंट वन की उसके अंदर आप प्लस कर देंगे 1805.570 तो आपके सामने इस पॉइंट की स्ट्रिंग वैल्यू आ जाएगी, तो ये 3305.570। तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट की आ गई है। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट डिस्टेंस है 3000, तो आपने एक्स की वैल्यू जो हमने पहले कैलकुलेट की है 0.43009 मल्टीप्लाइड बाई 3000, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1290.27। और इसी तरीके से हमारे पास डिस्टेंस वही सेम टू सेम 3000, तो 0.902785 मल्टीप्लाइड बाई 3000 आप इधर से करेंगे तो ये आपके सामने वैल्यू आ जाएगी 2708.35 है, तो ये आपके थर्ड पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। वो इस वैल्यू को आपने प्लस कर देना है उसी तरीके से नार्दिंग के अंदर 1000 प्लस 1290.270 तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 2290.270 नार्दिंग की वैल्यू। और इसी तरीके से वाई वैल्यू 1500 प्लस 2708.355 करेंगे तो 4208.355 आपके थर्ड पॉइंट की नार्दिंग स्टिंग आ जाएगी। इसी तरीके से आपके पास एक्स वैल्यू की ज़रा आप डिस्टेंस 4000 मल्टीप्लाइड कर दें 0.43009 मल्टीप्लाइड बाई 4000 तो इजिकल टू आएगा आपके पास 1720.36। और इसी तरीके से वाई वैल्यू के अंदर 0.902785 मल्टीप्लाइड बाई 4000 ये आप करेंगे तो ये आपके सामने वैल्यू आ जाएगी 3611.140। और इस वैल्यू के अंदर आपने इसी तरीके से 0.1 की नार्दिंग और स्ट्रिंग को प्लस कर देना है, तो ये आपके सामने 1000 आप इधर से करेंगे 1720.360 तो ये आपके सामने 2720.360 उसकी नार्दिंग आ जाएगी। और इसी तरीके से स्ट्रिंग 1500 प्लस 3611.140 आप कर देंगे तो ये आपके सामने इसकी स्ट्रिंग की वैल्यू आ जाएगी 5111.140। तो ये आप देखें इस तरीके से दोनों दो तरीके मैंने आपको मेथड इसके अंदर बताए हैं। पहले नंबर के अंदर आपने आरईसी के जरिए बेरिंग और डिस्टेंस लेने हैं, और दूसरे नंबर के अंदर आपके पास जो टोटल डिस्टेंस की पहली वैल्यू आई थी उसको डिवाइडेड बाई डिस्टेंस करके एक्स और वाई वैल्यू निकाल देनी है और मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस करते जाना है, तो ये आपके सारे कोऑर्डिनेट सीधे से कैलकुलेट हो जाएंगे। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने पहले फोर बेरिंग कैलकुलेट की थी 0.1 और 0.2 की मदद से, और अभी हम 0.2 और 0.1 की बैक बेरिंग अगर हम उसकी निकालना चाहें कैलकुलेट करना चाहें तो वो आप कैसे करेंगे 64.52728 प्लस 180 कर देंगे इसके अंदर, ये आपके सामने बेरिंग आ जाएगी 244 degrees 31 minutes 36.22 seconds ये आपकी बैक बेरिंग आ जाएगी। अगर हम आप इसी कैलकुलेशन इसी तरीके से फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट की मदद से करेंगे तो आपने सेम टू सेम 0.1 वाली बेरिंग को आपने नार्दिंग 2 और इसी तरीके से 0.2 वाली बेरिंग जो आपके पास थी वो नार्दिंग 1 आ जाएगी, उसको आपने माइनस कर देना है कॉमा लगाना है। और इसी तरीके से स्ट्रिंग 2 1500 माइनस 6013.93 आपने करना है, तो ये आपके सामने डिस्टेंस आ जाएगा और आगे उसकी बेरिंग आ जाएगी। शिफ्ट आप एक्स करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, शिफ्ट वाई करेंगे तो बेरिंग आ जाएगी, बेरिंग आई है माइनस के अंदर, इसके अंदर आप प्लस 360 कर देंगे तो ये आपके सामने 244 degrees 31 minutes 36 seconds आ जाएगा। अगर आपने बेरिंग डिस्टेंस की कंप्लीट वीडियो मेरी देखनी है तो मेरी दो वीडियोस मेरे चैनल के अंदर अपलोड हैं, आप उसके अंदर जाके पूरी डिटेल के साथ इसको देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आपने इन पॉइंट्स को आपने
सेम टू सेम बेयरिंग डिस आपके पास आई थी 244.526728, तो आपने शिफ्ट आर ई सी प्रेस करने के बाद 1000 डिस्टेंस आपके पास है, आपने कोमा लगाने के बाद 244.526728 डेसिमल डिग्री वो आपने लगाने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और इक्वल टू करना है। इक्वल टू करने के बाद आपके सामने एक्स और वाई वैल्यू आ जाएगी, आपने शिफ्ट एक्स को प्रेस करना है तो आपके सामने वैल्यू -430.0922 आ जाएगा और वाई वैल्यू आपके सामने इक्वल टू करेंगे तो -902.786 आ जाएगी। ये वैल्यू जिस साइन के साथ आई है आपने उसी के साथ आपने अपने नाम के साथ माइनस कर देनी, प्रेस कर देनी है 3150.45 प्लस एक्स आपने प्लस करना है तो आपके सामने 2720.3599 ये आपके सामने इसके नार्दिन जो हमने पहले फोर बैरिंग के साथ क्रिएट की थी वो आ गई है। इसी तरीके से स्ट्रिंग 6013.93 प्लस कर देंगे शिफ्ट वाई तो ये आपके सामने 5111.4399 आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरीके से ये आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, बैक बेरिंग के जरिए भी आपने करना है। इस तरीके से आपने आरईसी शिफ्ट आरईसी करने के बाद डिस्टेंस लगाने के बाद कॉमा और ऊपर बेरिंग 244.526728 ये आपनी बेरिंग जो डेसिमल के अंदर आपकी 5 डिजिट्स के अंदर आ रही होगी 5 या 6 ये आपने पूरी लगानी है। तो उसके बाद ये आपके सामने एक्स और वाई वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से अभी आपने सबसे पहले 3150.450 प्लस शिफ्ट और एक्स वाले बटन को आपने प्रेस कर देना है, ये आप देखेंगे आपके सामने 2290.270 ये मेरे पास पूरी जो हमने 4 साइड से हमने कैलकुलेट की थी वो आ गई है। और इसी तरीके से 6013.93 प्लस शिफ्ट वाई आप इधर से डायरेक्ट कर देंगे तो 4208.357968 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये आप इसी तरीके से ही मैंने आपको 4 साइड इसकी बेयरिंग डिस्टेंस और इसके पूरे कैलकुलेशन के जरिए 3 किस्म के मेथड मैंने आपको बताए हैं, इसकी मदद से आप ये पूरे कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं 4 साइड और बैक बेयरिंग दोनों के साथ। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मेरे चैनल के अंदर आपको ऑटोकैड, सिविल इंजीनियरिंग, एक्सेल, सर्वेइंग, स्टील, बार बैंड शेड्यूल के मुतालिक हर किस्म की वीडियोस मौजूद है। मेरे चैनल का विजिट करें। अल्लाह हाफिज़।